गोपागंज। सोमवार की सुबह नोडल अधिकारी मुकेश मेश्राम अपने दलबल के साथ तड़ियांव स्थित 100 बेडेड हॉस्पिटल, ग्राम सभा ढेकवारा, थाना गोपागंज ब्लॉक, नगर पंचायत का मोहल्ला दोस्तपुरा की सफाई व्यवस्था और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। थाना परिसर में त्योहार रजिस्टर, ऑनलाइन FIR आदि के बारे में निरीक्षण करते हुए जहां एक तरफ संतुष्टि जताया, वहीं गोपागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण के दौरान कमरों में व्याप्त गंदगी, जगह जगह पखा खराब होने, पैथोलॉजी सेंटर में रिकॉर्ड कागज पर लिखने को लेकर नाराजगी जताते हुए अधीक्षक को जमकर फटकार लगाया। गोपागंज पहुंचे नोडल अधिकारी मुकेश मेश्राम ने सर्वप्रथम तड़ियांव स्थित 100 बेडेड हॉस्पिटल और ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान हॉस्पिटल में जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने पर जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था करने की बात कही। उसके बाद ग्राम सभा ढेकवारा पहुंच गांव के साफ सफाई का निरीक्षण किया। ढेकवारा के बाद अचानक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपागंज पहुंच गए। वहां निरीक्षण के दौरान कमरों में व्याप्त गंदगी को देख नाराजगी व्यक्त किया। उन्होंने इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाखाना मरीजों का वार्ड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मरीज वार्ड का पंखा खराब देख भड़क गए और अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार से सवाल जवाब करने लगे। पंखा खराब होने की जानकारी अधीक्षक को न होने पर भड़क गए और कहा कि 3 साल से पंखा खराब है और तुमको जानकारी नहीं है। पैथोलॉजी सेंटर में कागज पर एंट्री देख जल्द से जल्द रजिस्टर बनाने की बात कही। अस्पताल परिसर में जर्जर भवनों को देख उसे गिराकर नए निर्माण करवाने की बात कही। इनसेट गोपागंज थाना के निरीक्षण के दौरान उन्होंने त्योहार रजिस्टर, ऑनलाइन FIR, महिला सहायता केंद्र का निरीक्षण करते हुए संतुष्टि जताया और गैंगस्टर, जिला बदर, हिस्ट्री सितारों की संख्या के बारे में जानकारी लिया। इनसेट गोपागंज ब्लॉक का निरीक्षण के दौरान उन्होंने रजिस्टरों को खंगाला और मौजूद अधिकारी से वर्मा कंपोज के बारे पूछा तो किसी के जवाब न देने पर जल्द से जल्द ब्लॉक में इस पर कार्य करने का निर्देश दिया। ब्लॉक परिसर में एक भवन और शौचालय का दरवाजा टूटा होने पर जल्द से जल्द उसे ठीक करवाने का निर्देश दिया। ब्लॉक क्षेत्र में सामुदायिक शौचालयों के बाबत जानकारी लेने के दौरान अभी तक कई सामुदायिक अपूर्ण होने की बात सुन भड़क गए और जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश दिया। इनसेट गोपागंज नगर पंचायत के मोहल्ला दोस्तपुरा का निरीक्षण के दौरान साफ सफाई की व्यवस्था को खराब और मौजूद नागरिकों की शिकायत की सफाई रोजाना नहीं होती, यह सुनकर नोडल अधिकारी भड़क गए और अधिशासी अधिकारी जय प्रकाश यादव को फटकार लगाते हुए हर वार्डो में बोर्ड पर सफाई कर्मचारियों के नाम और सफाई नायक का नाम और मोबाइल नंबर लिखने का निर्देश दिया, जिससे वार्डो की सफाई ठीक तरह से हो और आम नागरिक अपने वार्ड के सफाई कर्मचारी और सफाई नायक के बारे में जानकारी ले सके।